पेशे से वकील रोहित टंडन को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। टंडन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी खातों के माध्यम से 70 करोड़ के काले धन को सफेद किया है। पिछले दिनों टंडन के यहाँ छापे पड़े थे जिसमें 13 करोड़ 65 लाख की नकदी बरामद की गई थी। बताया जा रहा है कि ईडी ने बुधवार को रोहित टंडन को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन जब उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो उन्हें देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी को शक है कि टंडन कई नेताओं और बड़े लोगों के करीबी हैं और वे मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं। रोहित टंडन का कोलकाता के कारोबारी पारस मलोढ़ा और हवाला ऑपरेटर शेखर रेड्डी से करीबी संबंध बताया जा रहा है। दरअसल सबसे पहले वकील रोहित टंडन के दिल्ली दफ्तर पर छापे पड़े थे। इस मामले में छानबीन करते हुए जाँच एजेंसियाँ चेन्नई के कारोबारी और हवाला ऑपरेटर शेखर रेड्डी तक पहुंची। रेड्डी के घर से 170 करोड़ कैश मिला। इस कड़ी में तीसरा नाम जुड़ा कोलकाता के रियल एस्टेट कारोबारी पारस मलोढ़ा का। दरअसल लोढ़ा ही वो शख्स हैं जो रेड्डी और टंडन के पुराने नोट यानी काले धन को सफेद करने के काम में लगा था। इस खुलासे के बाद पारसमल भागने की फिराक में था, लेकिन वो पकड़ा गया। वहीं काले को सफेद करने के मामले में रोहित टंडन की मदद करने वाले कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर आशीष कुमार को भी कल गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखा आपने कि काले धन को सफेद करने का ये जाल कितना फैला हुआ है। रोहित टंडन, शेखर रेड्डी, पारस मलोढ़ा और ना जाने कितने लोग इस रैकेट में शामिल हैं। वहीं टंडन की गिरफ्तारी के बाद अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस रैकेट से जुड़े कई और नाम सामने आ सकते हैं। देखते रहिए एडीबी लाइव।